ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଚରଣଜିତ ଚନ୍ନି, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ତିନି ଥର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଟେଲିପୋଲରୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ବେଳେ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ନି ସାହେବ ଚମକୌର ସାହେବ ଏବଂ ଭରଦୌର ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତିନି ଥର ସର୍ଭେ କରିଛୁ, ଉଭୟ ଆସନରୁ ଚନ୍ନି ସାହେବ ପରାସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚମକୌରରୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି 52% ଭୋଟ ପାଇବ ଏବଂ ଭରଦୌରରୁ 48% ଭୋଟ ପାଇବ। ତେଣୁ ଚନ୍ନି ବିଧାୟକ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କେମିତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଗବତ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ଛୋଟ ଧରଣର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରି କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟାଏ ସର୍କସ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟାଏ ଦଳ ପଞ୍ଜାବକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ? ଦଳ ଚଳାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସରକାର ଚଳାଇବେ କେମିତି? 5 ବର୍ଷ ଲାଗି ପଞ୍ଜାବର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭଳି ଆପ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करने जा रहा हूं। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और बदौर से, चमकौर साहब से और बदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं, एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो है लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहाँ से वो 2007 से एमएलए हैं वहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप में से कई लोगों ने वहाँ जा के उनके इलाके में लोगों से बात भी की है। सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं, तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो कांग्रेस भी हार रही है। अगर आपके कोई ब्यूरो रिपोर्ट सकाळ खबर।